देश भर में कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन का असर यूं तो सभी व्यापार पर पड़ा है, वहीं पेट्रोल पंप भी लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, जिससे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की सेल में काफी गिरावट आई है। यही कारण है कि पेट्रोल पंप स्वामी भी सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं। आपको बताते चले कि मार्च के अंतिम सप्ताह से कोरोना वायरस के चलते शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर होने से पेट्रोल पंप की सेल अचानक ठंडी पड़ गई थी, जिसका कारण था कि पूरे देश में सभी व्यापार, यातायात और खनन के वाहन भी सड़कों पर नहीं दौड़ रहे थे, जिसका असर पेट्रोल पंप की सेल पर भी खासा पड़ा है। काशीपुर शहर में कुल मिलाकर दर्जन भर के करीब पेट्रोल पंप स्थित है। वहीं पेट्रोल पंप स्वामियों की माने तो बॉर्डर सील होने से पर्यटकों की आवाजाही बंद हो गई है। नैनीताल और रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क घूमने वाले दिल्ली के पर्यटकों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप की सेल पर काफी फर्क पड़ा है। इसके अलावा स्टोन क्रेशर बंद होने से तथा फैक्ट्रियां बंद होने से डीजल की सेल पर काफी फर्क पड़ा है। पेट्रोल पंप स्वामियों के कहना है कि आम दिनों के मुकाबले लॉकडाउन के दिनों में पेट्रोल और डीजल की 10-30% ही सेल रह पाई है। सेल हमारी पहले से 10% हो गई है, अरे ये 80-90% सेल हमारी कम हो गई है, क्योंकि अब कोई लोग कहीं आ रहे हैं ना जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो खर्चे थे, जो हमारी तनख्वाहें थी, जो बिजली के खर्च थे, बिजली विभाग वाले अपना कोई कम नहीं कर रहे, वो मिनिमम का बिल भेज रहे हैं। जब हमारा 5-6 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, आना चाहिए, वो 10-12 हज़ार रुपये का मिनिमम का बिल भेज रहे हैं कि बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा आप। ESI हमारी पूरी जा रही है, इनकम टैक्स हमारा पूरा लगेगा, तो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे वहीं के वहीं खड़े हैं। अब उसमें हमारी चांस सेल 1% हो, 10% हो या 100% हो, कहीं कोई रियायत नहीं है। तो वो आवाजाही हुई है तो लोग उसी रेशियो में और पेट्रोल पंपों पे बट गए, उससे ये नहीं कि किसी एक पेट्रोल पंप की सेल बढ़ गई हो पर्टिकुलर। और वो भी लोग भी अब बहुत सतर्क, पब्लिक भी खुद सतर्क हो गई है, सिर्फ वो भी 12 बजे तक पब्लिक निकलती है, उसके बाद लोग घरों में बैठे हैं, क्योंकि आधे दिन मार्केट आधा खुल रहा है, रोज आधा, एक दिन छोड़ के एक दिन आधा आधा मार्केट खुल रहा है। अब शहर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो गया। तो समझिए, पहले हमारे यहाँ एक 12,000 लीटर का टैंकर पर डे आता था हफ्ते में, और कम से कम 5 दिन आता था, अब हफ्ते में एक बार आता है, अब लगा लीजिए आप।